हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ प्रतिपाल यादव. आपका मोस्ट वेलकम है इन माय क्लास. तो टुडे आज हम सेवन्थ क्लास ज्योग्राफी के अंदर एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू. क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी चैप्टर वन, एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट, इससे पहले भी आपने कक्षाओं में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा होगा. फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा होगा जहाँ एनवायरनमेंट की एक ही बुक पाई जाती है. बहुधा हम जब बच्चों से पूछते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इसके बारे में आप लिटिल नॉलेज तो ज़रूर रखते हैं कि अपने चारों ओर की चीज़ों को देखकर, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि अपने चारों ओर जो चीज़ें विद्यमान होती हैं, जो थिंग्स पाई जाती हैं या जो पदार्थ पाए जाते हैं, वो एनवायरनमेंट होता है. इसके बारे में आप जान चुके हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आज एनवायरनमेंट, जिसकी हम आज शुरुआत कर रहे हैं. तो स्टोरी ऑफ रवि, आवर चैप्टर इज स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ रवि. सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है ये रवि की स्टोरी से शुरू होता है. रवि, अब आप क्लास में सोच रहे होंगे कि हमारी क्लास वाला रवि, आई एम नॉट टॉकिंग आपके क्लास के जो स्टूडेंट रवि है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. इस स्टोरी में जो एक इमेजिनरी कैरेक्टर दिया गया है, एक काल्पनिक पात्र दिया गया है रवि, आई एम टॉकिंग अबाउट उस इमेजिनरी जो रवि है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. उसकी स्टोरी को हम सबसे पहले समझते हैं. अब देखते हैं कि समर वैकेशन के बाद जब अपने स्कूल में जाते हैं, तो समर वैकेशन के बाद जब स्कूल में जाते हैं, तो हमारे स्कूल के रास्ते के अंदर जो वे होता है, मार्ग होता है, उसमें आप बहुत सारे चेंजमेंट देखते हैं, बहुत सारे बदलाव देखते हैं. बदलाव, अगर हम बदलाव की बात करें, तो उस रास्ते में आप देखते होंगे कुछ नए पेड़ लगा दिए गए हैं, कुछ पुराने पेड़ों को काट दिया गया है, या उसी रास्ते में एक नई नई जो बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, उनको बना दिया है. तो आप इस चीज़ को खुद महसूस करते होंगे कि आपका जो रास्ता है, आपका जो मार्ग है, उस रास्ते में क्या क्या परिवर्तन हुआ है. ऐसा ही कुछ रवि के साथ होता है. रवि जो हमारी इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो अपने स्कूल पहुंचता है, और जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसके स्कूल के पास एक प्लेग्राउंड होता है. वो प्लेग्राउंड रवि को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि अक्सर रवि उस प्लेग्राउंड में खेलता था. उस प्लेग्राउंड में बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत अधिक ग्रास थी, और तितलियाँ थी जो उड़ती रहती थी, जिनको देखकर रवि बहुत ही हर्षोल्लास महसूस करता था, बहुत खुशी महसूस करता था. लेकिन आज वो देख रहा है कि वो जो मैदान था, वो जो गार्डन था, उसमें गहरे खड्डे बने हुए हैं. अब रवि इस चीज़ को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, और रवि को ये जानकारी मिलती है कि यहाँ बड़े बड़े लंबे यहाँ पर अब फ्लैट्स बनाए जाएंगे. अब चूंकि रवि बड़ा दुख महसूस करता है कि रवि अक्सर इस मैदान में खेलता था, लेकिन अब वो खेल नहीं पाएगा क्योंकि अब यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भवन बनाए जाएंगे. उसके बाद व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन के तौर पे देखें तो व्हाट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, अर्थात अपने चारों ओर जिन चीज़ों को हम देखते हैं वही एनवायरनमेंट है. तो नेक्स्ट डे रवि अपनी क्लास के अंदर प्रवेश करता है, और रवि एंटर्ड इन हिज क्लास, तो ही आस्क्ड अबाउट टीचर, तो अपने टीचर से पूछता है कि सर टेल मी व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, तो अपने टीचर से पूछता है कि सर मुझे बताओ एनवायरनमेंट होता क्या है. तो उसका जो टीचर होता है वो रिप्लाई देता है कि आप जो कुछ भी अपने चारों ओर देखते हो वो एनवायरनमेंट है. फिर रवि पूछता है कि मैं अपने चारों ओर तो बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, सच एज मैं बुक्स को भी देखता हूँ, मेरे फ्रेंड्स को भी देखता हूँ, बेंचेस को भी देखता हूँ, भवन को भी देखता हूँ, बिल्डिंग को भी देखता हूँ. तो टीचर कहता है यस, जिन चीज़ों को आप देखते हो, चाहे वो ट्रीज़ हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, यहाँ तक कि ब्लैक बोर्ड हो, जिस बेंच पर आप बैठे हुए हो, एवरीथिंग इज़ एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज़ ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. जो जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं, ये सभी, दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ये सभी हमारे एनवायरनमेंट के एक पार्ट हैं, एक हिस्सा हैं. अब उसके बाद रवि को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर मिल गया था, तो हम डेफिनेशन के तौर पर हम कह सकते हैं व्हाट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, जो चीज़ों को हम देखते हैं, महसूस करते हैं अपने चारों ओर, दिस इज एनवायरनमेंट, वो क्या है, एनवायरनमेंट कहलाता है. सेकेंडली, एनवायरनमेंट जो होता है इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. ये डेफिनेटली ठीक बात है कि जो अगर एनवायरनमेंट है तो ही हमारी लाइफ संभव है, अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो हमारी लाइफ संभव नहीं है. वी कांट लिव विदाउट एनवायरनमेंट. इस प्रकार एनवायरनमेंट को आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी कहा गया है, जो हमारे जीवन को मूल आधार प्रदान करता है, हमारे जीवन को बेसिक प्रदान करता है, क्योंकि ये है तभी लाइफ यहाँ पर संभव है, इसके बिना लाइफ भी संभव नहीं है. सेकेंडली, अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स, इट मीन्स एनवायरनमेंट प्रोवाइडर्स एयर, वाटर, फूड एंड लैंड. अब जो एनवायरनमेंट है, हमें जीवित रहने के लिए एयर भी चाहिए, जीवित रहने के लिए वाटर भी चाहिए, फूड भी चाहिए और लैंड भी चाहिए. ये सारी की सारी चीज़ें, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. ये जो मैंने पढ़ा है, एयर है, वाटर है, लैंड है,
फूड है, ये एनवायरनमेंट के ही भाग है. दिस इज द पार्ट ऑफ, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. ये सभी हमारे एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं. तो अब इस चैप्टर के अंदर बात करें तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं. दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो. ये सिर्फ ये बता रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या किन किन पार्ट को पढ़ने वाले हैं, किन किन जो चैप्टर्स के अंदर जो केंद्र बिंदु हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, अर्थात हमारे जो एनवायरमेंट्स होते हैं उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं. उसी कड़ी के अंदर हम पढ़ेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक जैविक होता है, एबायोटिक अजैविक होता है, उसके बारे में आगे स्टडी करेंगे. सेकेंडली हम अध्ययन करेंगे नेचुरल एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. इसी नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर हम इकोसिस्टम के बारे में भी जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, राइट. कुछ नेचुरल एनवायरमेंट को आप जानते होंगे, कुछ जो थिंग्स हैं जिनकी रचना स्वयं प्रकृति ने की है, सच एज पहाड़ है, रिवर है, नदी है, समुद्र है. इट मीन्स जो ह्यूमन मेड नहीं है, जिनको नेचर ने बनाया है, इस कारण इनको नेचुरल एनवायरनमेंट कहा जाता है. इसी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर वी विल स्टडी अबाउट इकोसिस्टम, हम इकोसिस्टम के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे. सेकंडली उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, फिर हम ह्यूमन एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे. हम प्रत्येक वीडियोज के अंदर एक स्मॉल स्मॉल वीडियो बनाएंगे और प्रत्येक टॉपिक को लेकर चलेंगे. तो